Hello student, welcome to Bishop Academy Aligned Classes. Dear student, today I am going to discuss about the factors affecting the choice of capital structure. इससे पहले हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे कोई कंपनी फाइनेंस कलेक्ट करने के लिए किस सोर्सेस को अपनाती है, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, क्या उसका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा और वो कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिससे वो अफेक्टेड होता है. इसमें देखिए, द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस डिपेंड्स अपॉन द मल्टीपल फैक्टर एज डिस्क्राइब बिलो, जिसमें फर्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन. किसी भी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन कैपिटल स्ट्रक्चर के को क्या करता है, अफेक्ट करता है. कैसे, देखिए, ये कैश फ्लो पोजीशन ऑफ ए बिजनेस है. अगर गुड है, कैश फ्लो पोजीशन गुड है, इश्यू एडेप्ट एज बिजनेस कैन मीट फिक्स कमिटमेंट इजली. अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन, सपोज सिंपल सी बात है, हम बिजनेस की बात ना करें, आपकी बात करें, तो आपके पास अगर कैश हो तो आप एवरीथिंग, कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं, आप कुछ भी कमिटमेंट कर सकते हैं. जैसे आप किसी को ना, ऐसा ठीक है, किसी का पैसा, ठीक है कल आके ले लीजिए, कल मैं दे दूंगा पैसा. तो ये कमिटमेंट किस बेस पे करते हैं, आपके कैश फ्लो पोजीशन के बेस पे करते हैं कि आपके पास कैसे, कल मैं दे दूंगा उसको. तो यही कंपनी भी होती है, कंपनी का अगर कैश फ्लो पोजीशन बढ़िया है तो वो क्या करेगा, अगर गुड है तो इश्यू डेट एज बिजनेस कैन मीट फिक्स कमिटमेंट इजली. अगर वो डेप्ट लेता है किसी से, डेप्ट इश्यू करता है, इसका मतलब उस पर वो जो फिक्स कमिटमेंट करना है कि कितना परसेंट वो इंटरेस्ट पेड करना है, वो इजिली कमिटमेंट कर देता है. वहीं पर अगर उसका उसका कैश फ्लो पोजिशन पुअर है, खराब है, उस पोजीशन में इश्यू इक्विटी एज इट इज लाइकली टू बी डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट. अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी का जो कैश फ्लो पोजीशन है, कैश पोजीशन अगर उसका खराब है, टर्नओवर खराब है, तो वो कभी भी कमिटमेंट नहीं कर सकता. उसको कमिटमेंट करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी कि उसको अगर किसी से लोन लेता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट वो पेड कर सकता है मैक्सिमम, ये कमिटमेंट करने में उसको क्या होगी, परेशानी होगी. तो इसलिए सिंस इश्यू ऑफ डेट कैपिटल इन्वॉल्व फिक्स कमिटमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज इसेंशियल टू एक्सेस द कैश फ्लो पोजिशन ऑफ द कंपनी. कैश फ्लो पोजिशन ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी के कैश फ्लो पोजिशन ही कमिटमेंट करने में हेल्प करता है कि किसी भी डेप्ट पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड किया जाएगा. द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो शुड बी सफिशियंट टू मीट दिस कमिटमेंट एंड ऑल्सो अलाउ द मेंटेन एनफ लिक्विडिटी टू मीट द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट ऑल्सो. और अगर आपके पास प्रोजेक्टेड कैश है, कैश फ्लो पोजीशन बढ़िया है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, कमिटमेंट भी कर सकते हैं और एक रेगुलर जो पेमेंट है इंटरेस्ट का वो भी कर सकते हैं. जो नॉर्मली जो बिजनेस ऑपरेशन का जो कॉस्ट है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, और फिक्स्ड एसेट में भी अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका, देखिए, कैश फ्लो पोजीशन है गुड बैड, इसके बारे में बताए थे, ये डायग्राम आप अपने कॉपी पर बना लेंगे. नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ये किसी भी कंपनी का डेप्ट पे कितना इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, ये उसके रेशियो को बताता है. द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिफ्लेक्ट टू हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स डज द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन. कहता है कि जो प्रॉफिट अर्न करती है जो कंपनी, वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मतलब ईबीआईटी को कहते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट. ये इनका रेशियो होता है, इस रेशियो में ही वो क्या करते हैं, अगर ये रेशियो अच्छा है इसका मतलब उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, ऐसे ही केस स्टडी में पूछता है, तो अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी हैज ए टेकन लोन ऑफ 5 लाख एट द रेट ऑफ 10%, अगर कोई कंपनी है वो 10% इंटरेस्ट पे अगर 5 लाख का लोन ली है एंड इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 1 लाख, अगर उसकी अर्निंग कितनी है, 1 लाख है, यानी कि 5 लाख का अगर 10% आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका कितना, 5000.
ठीक है, 5000 आपका 10% आपका इंटरेस्ट आएगा, 50000, ठीक है, 50000 आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 लाख अर्निंग है, देन वी कैन कैलकुलेट ICR इज इक्वल टू 50000, 50000 क्या है आपका इंटरेस्ट है, ऑब्लिक 1 लाख, 2 टाइम्स, यानी कि इनका जो ICR है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 50000 ऑब्लिक 1 लाख, यानी कि 1/2 का रेशियो है, 2 टाइम्स का रेशियो है। इन जनरल इफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज हाई द बिजनेस मे यूज डेब्ट, बट इफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज लो देन द बिजनेस मे यूज इक्विटी, बट ICR इज नॉट considered an adequate factor in the itself, as there may a situation where EBIT मतलब earning before interest and tax, EBIT को कहते हैं earning before interest and tax of a company may be high but it may lack liquidity, यानी कि कभी भी अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हाई है तो वो कोई भी डेब्ट कभी भी ले सकता है, डेब्ट का मतलब होता है लोन, कर्ज कंपनी ले सकती है, अगर वो क्या है लो है तो उस केस में वो डेब्ट नहीं ले सकती है, क्योंकि उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है कम है, यानी कि उसकी अर्निंग कम है, और अर्निंग कम होने पर वो लोन न लेकर के वो क्या करेगी, फाइनेंस कहाँ से कलेक्ट करेगी, शेयर इश्यू करके, इक्विटी इश्यू करके वो क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। लेकिन फिर भी ICR किसी कंपनी का सिचुएशन को डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास अगर नहीं डेब्ट है तो उसके पास और भी ढेरों सारे सोर्स ऑफ फंड होते हैं जिसको वो अप्लाई कर सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए अगर हाई है तो इश्यू डेब्ट एज बिजनेस कैन मीट फिक्स्ड कमिटमेंट इजली, अगर हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो एक फिक्स कमिटमेंट दे सकता है, मैं इतना परसेंट दूंगा आपको देना है, ठीक है। अगर लो है तो इश्यू इक्विटी एज द लाइकली टू डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू पे इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, अगर इस केस में क्या करेगा वो इक्विटी इश्यू करेगा, क्योंकि इस केस में वो क्या करेगा इंटरेस्ट पेड करने में वो डिफिकल्टी फील करेगा। नेक्स्ट आते हैं आपके डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR कहते हैं, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कहते हैं इसको। ये देखिए डेब्ट कवरेज रेशियो है, इसका मतलब जो डेब्ट सर्विसेज कवरेज रेशियो है, आप जो डेब्ट लेते हैं उसको आप किस रेशियो से कवर करते हैं, ठीक है ना, मतलब आप अगर लोन लेते हैं तो उस लोन को किस रेशियो से आप कवर करने की आपकी क्या है कैपेसिटी है, ये रेशियो उस चीज को शो करता है। ये चीजें आप जब अकाउंट्स में पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो, तो ये चीजें फिर से आपके अकाउंटिंग रेशियो में आएंगी और ये फार्मूला आएंगे, आपको उसमें इसका यूज कर सकते हैं। तो उस केस में देखिए द डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कंपनीज पोजीशन एज कंपेयर्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। ये जो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है ये ICR से बेटर ये कैलकुलेट करने का तरीका है। तो DSCR इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट टैक्स लेस करने के बाद से, प्लस डिप्रेसिएशन, प्लस इंटरेस्ट, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस अपॉन प्रिफ्रेंस डिविडेंड, प्रिफ्रेंस डिविडेंड प्रिफ्रेंस शेयर पे दिए जाते हैं, प्लस इंटरेस्ट, प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस, इतना से आपका डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कैलकुलेट होता है। अगर ये डेब्ट कवरेज सर्विस कवरेज रेशियो अगर हाई है तो आप कमिटमेंट इजिली कर सकते हैं, कमिटमेंट किस चीज़ का, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना रेगुलरली पे करेंगे वो आप कमिटमेंट कर सकते हैं, अगर लो है तो आप इक्विटी इश्यू करेंगे और आपको इंटरेस्ट पेड करने में आपको डिफिकल्टी फील होगी। नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, ये देखिए बहुत अच्छा ये एक चीज़ है, या आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप अकाउंटिंग रेशियो जब पढ़ेंगे अकाउंट्स में थर्ड पार्ट में तो आप उसमें आएगा ये द ROI ऑफ द कंपनी इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द आप इट्स एबिलिटी टू यूज डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ये कहता है कि आप जो डेब्ट लेते हैं उसका कैपिटल स्ट्रक्चर में कैसे यूज होगा, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है,
कि जो हम इन्वेस्ट, जो कैपिटल हम जनरेट कर रहे हैं, जो कैपिटल हम रेज कर रहे हैं, उस कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उससे कितना रेट ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न होगा, ये उसको डिसाइड करता है। इट इज ओनली व्हेन आरओआई इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ए कंपनी कैन टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर यह केवल क्या है, जब आरओआई हायर हो तभी रेट हायर हो तब रेट ऑफ इंटरेस्ट ए कंपनी कैन टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग इक्विटी। अगर ये हायर रेट है तो आप इक्विटी का आप क्या कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट, आरओआई कैसे करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ईबीआईटी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल विच यू आर इन्वेस्टेड इन द फर्म कंपनी मल्टीप्लाई बाई 100। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हाई है तो इश्यू डेप्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और इस तरह से आप डेप्ट क्या कर सकते हैं, डेप्ट का मतलब होता है डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आप इश्यू करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं अगर आपका क्या है आरओआई हाई है। अगर लो है तो इक्विटी इज लाइकली टू बी डिफिकल्ट टू बिजनेस टू पे इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। अगर यही लो है तो आप उसको उस पर कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं और आपको जो उस पर इंटरेस्ट ऑन डेप्ट है वो पेड करने में आपको डिफिकल्टी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी 10 लाख, अगर किसी कंपनी का टोटल कैपिटल 10 लाख है एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है, तो यानी कि 30,000 अपॉन 10 लाख यानी कि यह आपका 3 अपॉन मल्टीप्लाई 100, तो यह आपका कितना हो गया 3 अपॉन 1 यानी कि 30%। आपका ये जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 30% का होगा। यानी कि इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हाई द बिजनेस में यूज डेप्ट। अगर उसका रिटर्न किसी भी कंपनी का अगर वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ज्यादा कमाई है तो वो लोन ले सकता है, अगर कम कमाई है तो लोन नहीं ले सकता। सीधी सी बात, अगर उसकी कम अर्निंग है तो वो लोन नहीं ले सकता। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसका नेक्स्ट जो और भी पार्ट है, इसके और भी फैक्टर्स हैं, इसका नेक्स्ट फैक्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।